In a 500-meter race, B starts 45 meters ahead of A, but A wins the race while B is still 35 meters behind. See, you have to understand the language, na? Okay, and what is the ratio of speeds of A to B, assuming that both start at the same time? Very simple, bahut aasan. Okay, dhyan se dekhna isko. I'll draw one diagram. Okay, theek hai, I'll draw one diagram for you. 500 meter ki race hai, theek hai? ए और बी हैं, दो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है. सपोज दिस इज, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, 500 मीटर है, 500 मीटर का की रेस है, ओके. जिसमें इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ. सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एस और ये फिनिशिंग पॉइंट है एफ, ठीक है. तो 500 मीटर की रेस है, तो सो व्हाट व्हाट बी हैज़ डन, बी स्टार्ट्स 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए. तो अब ए यहाँ पर खड़ा है, दिस इज द स्टार्टिंग लाइन, ए तो यहाँ पर खड़ा है, ओके. ए यहाँ पर खड़ा है, लेकिन बी ने क्या करा, बी 45 मीटर आगे खड़ा है. क्यों खड़ा है? क्योंकि वो थोड़ा सा, क्योंकि बी थोड़ा सा वीक है ना, ओके. तो मैंने बोला, चलो मैं ए हूँ, मैंने बोला ओए बी तू एक काम कर, 45 मीटर आगे खड़े हो जा मुझसे यार, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मैं तुझे एट द एंड ऑफ द रेस हरा दूंगा, ठीक है. तो बी ने क्या करा, बी 45 मीटर क्या हो गया, आगे खड़ा हो गया, तो रेस स्टार्ट हो गई. तो क्या हुआ, जैसे रेस स्टार्ट हुई, ए विंस द रेस वाइल बी इज 35 मीटर्स बिहाइंड. तो यहाँ ऐसे रेस स्टार्ट हो गई, दोनों भागे 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 भागे, तो ए ने पिछाड़ दिया, ए पहले पहुंच गया फिनिशिंग पॉइंट पे. और जब ए फिनिशिंग पॉइंट में पहुंचा तो ए तो जीत गया. उस वक्त बी उससे पीछे था, उस वक्त बी यहाँ पर था कहीं, उस वक्त बी कितना था, बी वॉज 35 मीटर बिहाइंड, ओके. सो नाउ वट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए टू बी, ठीक है. अब आपको स्पीड का रेशियो निकालना है, ओके. अब एज यू ऑल नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके. दिस मच इज क्लियर, ओके. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, एज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम टाइम पे रेस को स्टार्ट किया, ठीक है, ओके. और दोनों का जो, सी व्हाट यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड. अब क्योंकि आई विल टेक एवरीथिंग, आई विल टेक, अब बी ने, सी देखो, बी ने, अब देखो ए ने तो पूरा ये पूरी डिस्टेंस ये कवर करी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 500 मीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है. सो ए कवर्ड कंप्लीट 500 मीटर डिस्टेंस, ओके. ए कवर्ड, ये समझना आपको, ए कवर्ड 500 मीटर सपोज इन टी टाइम, इन टी टाइम. और इसी टाइम में बी कवर्ड, बी ने कितना कवर किया, बी कवर्ड इतने में, बी कितने ने, बी ने कितना कवर किया, देखो बी ने शुरू में, बी ने सिर्फ इतना कवर किया, ध्यान से देखना इस चीज़ को, इतना सिर्फ. सो 35 मीटर लास्ट में वो नहीं कर पाया, और शुरू में 45 मीटर आगे था. सो 45 प्लस 35 इफ विल डू विल गेट 80. तो 80 का मतलब है कि 80 जो मीटर है उसने वो कवर नहीं किया, ठीक है. तो 80 मीटर का मतलब कितना है, 500 माइनस 80 करेंगे तो कितना, 420 मीटर, ठीक है, 420 मीटर इन अगेन टी टाइम, ओके. अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. अब ए का, आपको ए का डिस्टेंस आ गया, फिर से मैं ले लेता हूँ ए के केस में, ठीक है. लेट्स के ए, ए के केस में डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, डिस्टेंस कवर करी उसने, सॉरी, पूरी 500 मीटर. और टाइम कितना लिया उसने, सपोज टी लिया उसने टाइम, टी सेकेंड्स, ओके. अच्छा, बी के केस में, बी के केस में बी ने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, बी ने 500 मीटर नहीं कर पाया, 500 मीटर माइनस, क्योंकि 80 शुरू में 45 और बाद में 35 नहीं करी उसने, तो वो 80 माइनस कर देंगे उतनी, तो कितनी आ गई, बी ने 420 मीटर कवर किया और टाइम सेम लिया, कितना, टी सेकेंड्स. अब दोनों की स्पीड देखना आप, ठीक है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, दोनों का रेशियो निकालते हैं. अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो पहले वाले केस में डिस्टेंस कितना जाएगा, 500 मीटर अपॉन टाइम विल बी टी. अब अच्छा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से जो स्पीड ऑफ ए आ जाएगी दैट विल बी 500 डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड. और यहाँ से स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 420 अपॉन टी मीटर पर सेकंड. और डायरेक्टली आई कैन पुट द वैल्यूज हियर, ठीक है. अब यहाँ पर दोनों का रेशियो 500 अपॉन टी डिवाइडेड बाई 420 अपॉन टी, दिस इज द मेन डिवीजन, हाँ इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, दिस इज द मेन डिवीजन.
सो मेन डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो चीज़ें रेसिप्रोकल जाती हैं. सो दिस विल बी टी अपॉन 420, टी से टी कैंसिल. ओके, जब हम रेशियो निकालते हैं तो सारे यूनिट्स. वेरी गुड, बच्चों का आंसर आ गया है. 25 से 21 साफ दिख रहा है, 0 से 0 काट दो. सो 50 अपॉन 42, 2 से 2 काटोगे तो 25 अपॉन 21. सो द आंसर विल बी 25:21 इज़ द राइट आंसर. वेरी इजी.